गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रति श्रीवास्तव प्रॉस्पेक्ट गर्ल्स कॉलेज से आपके कॉमर्स टीचर। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको वस्तु विन में क्या है तथा उसके लाभ और दोष के बारे में बताया था। आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक युग में वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली आज के समय में अपनाई जा रही है कि नहीं। वस्तु विनिमय प्रणाली के लिए जो दशाएँ आवश्यक थी, उन दशाओं के कारण वर्तमान समय में भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि अभी भी लोगों की आवश्यकताएं असीमित हैं। इसका प्रचलन अभी भी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे अभी वस्तु विनिमय को अपनाया जा रहा है। वो कौन कौन से क्षेत्र हैं? फर्स्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में। आज भी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में वस्तु विनिमय सीमित रूप में प्रचलित है। गांव में किसान, मजदूर, बढ़ई, लोहार आदि अपनी सेवाओं का पारिश्रमिक मुद्रा के अलावा अनाज के रूप में भी प्राप्त करते हैं। गांव में लोग अनाज के बदले कपड़े, बर्तन, फल, नमक, तंबाकू आदि वस्तुएं प्राप्त करते हैं। गाँव में आज भी वस्तु विनिमय प्रथा का प्रचलन हो रहा है। गाँव में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उनकी सेवाएँ सीमित होती हैं, तो वो अनाज के बदले कपड़े, बर्तन, फल लेकर के वस्तु विनिमय की प्रथा को अपना रहे हैं। नेक्स्ट, शहरी क्षेत्र में कुछ मात्रा में यह प्रणाली कस्बों तथा शहरों में भी प्रचलित है, जहां स्त्रियां फटे पुराने कपड़ों के बदले प्लास्टिक का सामान, कांच व स्टील के बर्तन आदि वस्तुएं प्राप्त कर लेती है। शहरी क्षेत्रों में नई वस्तुएं जैसे कार, टेलीविज़न आदि का आंशिक भुगतान पुरानी कार, पुराने टेलीविज़न आदि के रूप में स्वीकार किया जाता है। वैसे इस प्रकार का वस्तु विनिमय अत्यंत सीमित मात्रा में पाया जाता है। शहरी क्षेत्रों में भी कुछ कुछ जगहों पर वस्तु विनिमय की प्रथा अभी भी प्रचलित है। हमारे घरों में क्या होता है, जो बर्तन वाले आते हैं उनसे हम लोग फटे पुराने कपड़े दे करके उनसे बर्तन ले लेते हैं, या फिर बहुत से ऐसे ऑफर आते हैं जिसमें आप पुराना माल या टेलीविज़न आदि को आंशिक भुगतान करके नया माल या नया टेलीविज़न खरीद सकते हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में। आजकल अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में वस्तु विनिमय प्रणाली का सीमित मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है। इंटरनेशनल लेवल पे भी वस्तु विनिमय प्रणाली का कहीं ना कहीं प्रयोग किया जा रहा है, जैसे कि भारत ने रूस से कई बार ऐसे समझौते किए हैं जिसके अंतर्गत दोनों ने अपनी आपस की वस्तुओं को आदान प्रदान किया है। नेक्स्ट, आर्थिक संकट में। कुछ आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक संकट के समय भी वस्तु विनिमय प्रणाली को अपनाया गया है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप के देशों में अति मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाने के कारण कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हो गई थी। ऐसी स्थिति में इन राष्ट्रों में वस्तुओं का प्रत्यक्ष रूप से विनिमय किया जाने लगा। इसी प्रकार द्वितीय महायुद्ध के पश्चात जर्मनी के बर्तन के कारखानों में श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान बर्तनों के रूप में किया जाने लगा था। श्रमिक बर्तनों के बदले में अन्य लोगों से अपनी आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त करते थे। आर्थिक संकट यानी कि जब देश में कोई बड़ा संकट आता है, उस समय भी वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग किया गया था। जैसे कि जर्मन में क्या हुआ था, जब द्वितीय महायुद्ध हुआ था तो जर्मनी के जो बर्तन के कारखानों में श्रमिक काम करते थे, वहाँ पर उनको मुद्रा या उनके वेतन की जगह उनको बर्तन दिया गया था, जिनसे वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि वस्तु विनिमय आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों तथा जातियों या सब समाज या विकसित अर्थव्यवस्था में ही कुछ अंतर वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन आज भी हो रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता की वस्तुएं प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन आधुनिक अर्थव्यवस्था में वस्तु विनिमय का जो प्रचलन है, उसे मुद्रा के द्वारा ही हिसाब किताब का कार्य किया जा रहा है और वस्तुओं के मूल्य को आंकने के लिए ही मुद्रा का ही प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए आधुनिक अर्थव्यवस्था में वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन तो नहीं है, लेकिन अनुकूल रूप में अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा पर आधारित वस्तु विनिमय का प्रचलन है। नेक्स्ट है हमारा मुद्रा का प्रादुर्भाव, यानी कि मुद्रा का विकास कैसे हुआ। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, इसलिए जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया, मनुष्य आवश्यकताएँ भी क्या होती गई, बढ़ती गई और वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ भी धीरे धीरे बढ़ती गई, जिससे लोगों को अनेक प्रकार की असुविधाएँ होने लगी। तो लोगों ने क्या किया, किसी ऐसे सर्वमान वस्तु या माध्यम की आवश्यकता को महसूस किया जिससे कि वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को दूर कर सके। तो इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए मुद्रा का आविष्कार किया गया। मुद्रा का आविष्कार क्यों किया गया, सिर्फ इसलिए जिससे वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को हम लोग दूर कर सकें और उसी के आधार पर वस्तु या सेवाओं की कीमतों को मापा जाने लगा। परिवर्तन के साथ साथ मुद्रा का स्वरूप भी क्या हुआ, धीरे धीरे बदलता गया, लेकिन यह बताना आज भी कठिन है कि मुद्रा अस्तित्व में कब आई। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मुद्रा के उद्गम के सिद्धांत, यानी कि मुद्रा का विकास कब और कैसे हुआ। इस संबंध में अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा के विकास के सिद्धांत को दो भागों में बांटा है। फर्स्ट, मुद्रा का आकस्मिक विकास का सिद्धांत। सेकेंड, मुद्रा का क्रमिक विकास का सिद्धांत। मुद्रा का आकस्मिक विकास का सिद्धांत,
इस सिद्धांत को मुद्रा का स्वाभाविक विकास का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्पॉल्डिंग ने किया था। इस सिद्धांत की मुद्रा की खोज किसी ने नहीं की, वरन या तो मनुष्य के संयोगवश प्राप्त हुई है, उनके अनुसार मुद्रा स्वयं प्राप्त थी, इसे खोजा नहीं गया। इसका जन्म आवश्यकता के अनुरूप स्थान तथा समय के अनुसार हुआ। जैसे जैसे विनिमय का प्रचलन बढ़ा, लोगों ने किसी भी उपलब्ध वस्तु को विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया और इस प्रकार मुद्रा अस्तित्व में आई। इसके पश्चात कालांतर में अधिक उपयुक्त वस्तुओं का प्रयोग होने लगा। इस प्रकार मुद्रा स्वयं मनुष्य के सम्मुख उपस्थित हुई, इसका किसी ने आविष्कार नहीं किया। इस बॉल्डिंग के शब्दों में मुद्रा की खोज किसी ने नहीं की, अपितु वह तो उसे संयोगवश प्राप्त होगी। मुद्रा का आकस्मिक विकास का सिद्धांत क्या कहता है कि मुद्रा के जो स्वाभाविक विकास का सिद्धांत है उसके जो समर्थक थे वो स्पॉल्डिंग थे। उनका यह मानना था कि मुद्रा की खोज या आविष्कार किसी ने नहीं की है, मुद्रा का जन्म अपने आप आकस्मिक रूप से हो गया है। लेन देन को सुविधाजनक बनाने के लिए व्यक्तियों ने किसी भी विनिमय माध्यम की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने मुद्रा की खोज की जिससे कि उस वस्तु के आसानी से विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जा सके। समय के साथ साथ मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया। नेक्स्ट है मुद्रा का क्रमिक विकास सिद्धांत। इस सिद्धांत की मान्यता यह है कि मुद्रा का आविष्कार स्वयं मनुष्य द्वारा वस्तु विनिमय की कठिनाई को दूर करने के लिए किया गया, अतः इस सिद्धांत को आवश्यकता अनुसंधान सिद्धांत भी कहते हैं। प्रोफेसर क्राउथर के शब्दों में यह निश्चित रूप से एक आविष्कार था। साधारण वस्तु विनिमय में मुद्रा के द्वारा हिसाब किताब करने की अवस्था में आने के लिए मनुष्य को अपनी वीर शक्ति का प्रयोग करना होगा। अर्थशास्त्र के जनक प्रोफेसर एडम स्मिथ मुद्रा के जन्म को विशिष्टीकरण से संबंधित करते हैं। उनका विचार है कि विशिष्टीकरण से विनिमय को आवश्यक बताया गया है और वस्तु विनिमय व्यवस्था में वस्तुओं के मूल्यांकन की कठिनाई सामने आई, अतः एक समान मापक की खोज की गई जिसमें सभी वस्तुओं के मूल्यांकन की कठिनाई सामने आई, अतः एक समान मापक की खोज की गई जिसमें सभी वस्तुओं के मूल व्यक्त किए जा सके। इस प्रकार मुद्रा अस्तित्व में आई और विनिमय के माध्यम का कार्य संपन्न करने लगी। इसलिए हैंसन का कहना है कि मुद्रा का उद्गम वस्तु विनिमय से संबंधित कठिनाइयों में है। कालांतर में मुद्रा के कार्यों का विस्तार हुआ, अंतों का स्वरूप भी बदलता गया। मुद्रा का क्रमिक विकास। इस सिद्धांत के समर्थकों का विचार था कि मुद्रा का आविष्कार वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को दूर करने के लिए किया गया था। वस्तु विनिमय की सबसे बड़ी कठिनाई वस्तु के मूल्यों को निश्चित करने में आती थी, इसलिए मुद्रा का प्रयोग सबसे पहले मूल मापक के रूप में हुआ और विनिमय के माध्यम में के रूप में इनका प्रयोग बाद में हुआ। हैंसन के अनुसार क्या था कि वस्तु विनिमय की उत्पत्ति मुद्रा की उत्पत्ति वस्तु विनिमय की कठिनाइयों में निहित है। इस प्रकार मुद्रा का जन्म कोई आकस्मिक घटना नहीं है बल्कि यह तो व्यक्तियों के प्रयासों का परिणाम है। अतः हम ये कह सकते हैं कि मुद्रा के क्रमिक विकास के सिद्धांत से वस्तु विनिमय की कठिनाई को दूर करने के लिए ही हुआ है। इसके बाद मुद्रा के ऐतिहासिक विकास की अवस्थाएं। इस टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।